अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने लगा हूँ। फ्री ऑफ कास्ट है भाई, बिल्कुल बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके किचन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये रेमेडी किस सिलसिले के लिए है? बेसिकली आजकल ना तकरीबन यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि उनके फेस के ऊपर अगर एक्नी मार्क्स या पिंपल मार्क्स या डार्क स्पॉट या ब्लैक स्पॉट, इन चारों में से चारों बन जाएँ, चारों में से दो बन जाएँ, कुछ भी बन जाएँ, मार्क्स या निशान वगैरह, डार्क स्पॉट के निशान वगैरह, पिंपल के मार्क्स, जो भी बन जाए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उससे हमारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 100% नेचुरल रेमेडी शेयर करने लगा हूँ। तो जिससे होगा क्या कि आपके जितने भी मार्क्स वगैरह हैं या डार्क स्पॉट या ब्लैक स्पॉट हैं, सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना यह है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद जी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बड़ी इजी सी रेमेडी है, कोई इसके अंदर इतना बड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दो प्रोडक्ट्स चाहिए, और दो प्रोडक्ट्स को आपने एक वीक तक यूज़ करना है, और रिज़ल्ट एक वीक बाद आप खुद कहोगे यार कमेंट करके कि भाई ने वाकई ही कुछ चीज़ बताई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो प्रोडक्ट्स चाहिए। दो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो कि आपके घर के अंदर इजीली अवेलेबल हैं? सबसे पहले हनी, हमें शहद चाहिए, तो ये जी मैंने हनी लिया है। और उसके बाद आपको चाहिए दालचीनी। दालचीनी क्या है? जो इस तरह, यकीनन आपने ये चीज़ देखी होगी, तो ये दालचीनी इसलिए कहते हैं, तो इसका इंग्लिश में क्या नाम था मुझे बताया था, बल्कि मुझे याद भी था, तो वो खैर मैं भूल गया। तो ये दालचीनी है जो कि आपके किचन के अंदर इजली अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, कम ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपए की काफ़ी सारी आ जाएंगी। इस तरह के ये पत्ते से होते हैं, तो ये आप देख भी सकते हैं। तो जी इसका आपने क्या करना है? इसका आपने बना लेना है पाउडर। तो इस तरह इसका आपने पाउडर बना लेना है। तो ये आपको दो प्रोडक्ट्स चाहिए इस रेमेडी के अंदर। तो यकीनन अगर आपके घर के अंदर अवेलेबल होंगे, अगर अवेलेबल नहीं है दोनों ही प्रोडक्ट्स, तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हनी के, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं दालचीनी के। यूट्यूब के ऊपर आप अगर लहता ये काफ़ी लंबे चौड़े टॉपिक, अगर इनको सर्च करेंगे, इनके बेनिफिट्स आपको बेशुमार इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वैसे भी शायद हर एक घर की ज़रूरत है, आपके घर के अंदर डेफिनेटली ज़रूर होगा। तो इनको यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास हनी है, हमें हनी चाहिए। तो यकीनन आपके घर के अंदर हनी अवेलेबल होगा, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नो इशू, बस आपके पास शहद होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए, और साथ ही साथ ये है जी दालचीनी। तो इसको यूज़ करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले आपने इसका पेस्ट बनाना है, और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने पेस्ट बनाना है रात को लगाने से पहले, जब भी आपने इसका पेस्ट बनाना है, तो आपने हर दफ़ा फ्रेश पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हनी ले लूँगा, तो इसको मैं प्लेट के अंदर रख देता हूँ। तो ये मैंने हनी ले लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, पिंपल स्पॉट या एक्नी स्पॉट होंगे, वहाँ वहाँ आपने लगा लेना है। और अब मैं थोड़ी सी दालचीनी मिक्स कर लूँगा इसके ऊपर, तो इन दोनों को मैं हैंड से इजीली अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो ये आपने बराबर मकदार के अंदर दोनों चीज़ें लेनी है। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है। तो जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट्स वगैरह या एक्नी स्पॉट्स हैं, वहाँ वहाँ मैं इसको लगा लूँगा, और वहाँ वहाँ ही आपने लगाने हैं। तो आपको चंद ही दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये इस तरह का इसका पेस्ट बनेगा। तो यूज़ करने का तरीका इंतहाई सिंपल है, आपने रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर लेना है अपने पूरे फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ आपके मसले मसाइल हैं, जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे हैं। तो जी इस तरह का इसका पेस्ट बन जाएगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त है फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए, और 100% नेचुरल आप देख ही सकते हैं। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट के अंदर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही ट्राई करने के बाद ज़रूर बताना कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ट्राई किया, मैंने खुद यार यूज़ किया, ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है। तो अगर ये रेमेडी आप नहीं कर सकते ट्राई, तो फिर भाई आपको क्रीम यूज़ करनी होगी, पर दोनों में से एक ना एक चीज़ तो लाजमी यूज़ करनी होगी। चाहे क्रीम ट्राई कर लो, चाहे रेमेडी
ट्राई कर लो। क्रीम के ऊपर ज़्यादा पैसे लगेंगे, तकरीबन 1000+ लगेंगे। अगर रेमडी अप्लाई करोगे तो फ्री में होगी। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर क्रीम पर बाय करना चाहते हो तो ये सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, यहाँ से आप एक्नी मार्क्स, पिंपल मार्क्स, या आपको एक्नी वगैरह का इशू है तो आप बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किस चीज़ पर होगी, पिंक लिप्स के ऊपर, कि आप घर के अंदर अपने लिप्स को 100% नेचुरली कैसे पिंक कर सकते हैं, और साथ ही साथ लिप फट चुके हैं या ड्राई हो चुके हैं तो उनको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।